टुडे वी विल डिस्कस टू प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म मीन्स के किसी और का वर्क उठाकर अपना लिख देना, अपना बनाकर लिख देना और या उसका आइडिया चुरा लेना। टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म, मोजेक और पेच वर्क प्लेजरिज्म। विद दिस टाइप ऑफ प्लेजरिज्म दिस वर्क द वर्क ऑफ समवन एल्स इज सिंपली पैराफ्रेज्ड विदाउट प्रॉपर साइटेशन। किसी और बंदे का वर्क उठाकर लिख देना पैराफ्रेजिंग फॉर्म में और उसको क्रेडिट भी ना देना, ये म्यूजिक प्लेजरिज्म में आता है। कंप्लीट प्लेजरिज्म, पैराफ्रेजिंग प्लेजरिज्म, सेल्फ प्लेजरिज्म, एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म, सोर्स बेस्ड प्लेजरिज्म, डायरेक्ट और वर्बेटिम। द वर्ड प्लेजरिज्म कम्स फ्रॉम द लैटिन, ये लैटिन का वर्ड है और इसका मीनिंग है किडनैपर। टर्मिनोलॉजी प्लेजरिज्म, प्लेजरिज्म इज द एक्ट ऑफ स्टीलिंग समवन एल्स वर्क एंड अटेम्प्टिंग टू पास इट ऑफ एज योर ओन। किसी और बंदे का काम उठाकर अटेम्प्ट कर देना और इसे अपना क्रेडिट दे देना। दिस कैन अप्लाई टू एनी थिंग फ्राम टर्म पेपर्स टू फोटोग्राफ टू सॉन्ग्स इवन आइडियाज। या फोटोग्राफ ले लेना किसी और बंदे की, सॉन्ग्स उठाकर लिख देना, इवन आइडिया भी उठाकर अगर अपना क्रेडिट दे देना, तो ये प्लेजरिज्म के फॉर्म में आता है। टर्मिनोलॉजी कॉपीराइट, कॉपीराइट इज़ अ फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड बाय द लॉज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ये कॉपीराइट लॉ के खिलाफ है टू द ऑथर ऑफ ओरिजिनल वर्क ऑफ ऑथरशिप इंक्लूडिंग लिटरेरी। ये इसमें लिटरेरी फॉर्म आ जाती है, ड्रामेटिक आ जाती है, म्यूजिक आ जाता है, आर्ट आ जाती है, या सर्टेशन इंटेलेक्चुअल वर्क भी आ जाता है कॉपीराइट में। दिस प्रोटेक्शन इज़ अवेलेबल टू द बोथ पब्लिश एंड अनपब्लिश वर्क। ये कॉपीराइट दोनों सूरत में हो सकता है, जो कि पब्लिश वर्क हो या अनपब्लिश वर्क हो। टर्मिनोलॉजी फेयर यूज़, फेयर यूज़ इज़ अ स्टैट्यूट अंडर कॉपीराइट लॉ दैट अलाउज फॉर द यूज़ ऑफ लिमिटेड पोर्शन ऑफ अ वर्क That has copyright without having to the permission from the original author। इसमें यह है कि किसी और बंदे का लिमिटेड पोर्शन में वर्क ले लेना, लिमिटेड वर्क ले लेना और उसको उसकी परमिशन के बगैर लिमिटेड वर्क ले लेना और एज इट इज़ उठा कर लिख देना अपने वर्क में। इट वॉज़ क्रिएटेड फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च। ये एजुकेशन या रिसर्च प्रोजेक्ट में शामिल होता है, इसमें कॉपीराइट किया जाता है। इट्स अ लिटल हार्डर टू पिन डाउन द प्लेजरिज्म और कॉपीराइट। ये प्लेजरिज्म की छोटी फॉर्म है, इसको कॉपीराइट भी कहते हैं, प्लेजरिज्म भी कहते हैं। आई मीन व्हाट क्वालिफाइज एज अ लिमिटेड पोर्शन, इसमें लिमिटेड पोर्शन में प्लेजरिज्म किया जाता है। मोर ऑन फेयर यूज, द कॉपीराइट ऑफिस इज़ नॉट वेरी हेल्पफुल। ये कॉपीराइट हेल्पफुल नहीं है टू डिफाइन व्हाट अ लिमिटेड पोर्शन, इसमें लिमिटेड पोर्शन में कॉपीराइट किया जाता है। इट ओनली स्टेट्स दैट देयर इज नो स्पेसिफिक नंबर ऑफ वर्ड्स लाइंस और नोट्स दैट मे सेफली टू बी टेकन विदाउट परमिशन। इसमें किसी दूसरे बंदे का वर्ड लाइंस या पूरा नोट भी उठाकर लिख दिया जाता है विदाउट ऑथर परमिशन। When using someone else's work, जब किसी दूसरे बंदे का वर्क यूज़ किया जाता है, इट्स बेस्ट टू ऑलवेज गिव क्रेडिट वेयर क्रेडिट ड्यू। तो उसको क्रेडिट देना चाहिए, कॉपीराइट में उसको क्रेडिट नहीं दिया जाता। इवन इफ़ यूजिंग ओनली अ स्मॉल पार्ट, इफ़ यू आर अनश्योर देन आस्क फॉर परमिशन। अगर आप उसका वर्क यूज़ भी करते हैं आइडिया लेने के लिए, तो उससे परमिशन लेनी चाहिए। टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म, कॉपियंग, प्लेजरिज्म की एक टाइप है कॉपियंग। टाइप्स उफ प्लेजरिज्म डील विद द रॉन्गफुल कॉपियंग ऑफ द टेक्स्ट ऑफ अनदर ऑथर विदाउट मेंशन द सोर्स। इसमें दूसरे बंदे का वर्क यूज़ किया जाता है और उसमें उस बंदे का क्रेडिट भी नहीं जाता दिया जाता, उसको मेंशन भी नहीं किया जाता। दिस मिस रिप्रेजेंटेशन एंड कॉपियंग ऑफ अ पर्टिकुलर टेक्स्ट एज ओन्स ओरिजिनल राइटिंग इज अ सीरियस ऑफेंस। इसमें एज इट इज़ उसी का वर्क उठाकर लिख दिया जाता है। द मोस्ट वेल नाउन एंड सैडली द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्लेजरिज्म इज द सिंपलेस्ट कॉपियंग।
ये कॉपियंग कॉमन टाइप है और सिंपल टाइप है प्लेजरिज्म की। इफ़ द कॉपियंग समवन एल्स वर्क एंड पुट योर नेम ऑन इट, यू हैव प्लेजराइज्ड। अगर आप किसी बंदे का काम उठाकर एज इट इज उठाकर लिख देते हैं तो आप प्लेजराइज्ड हैं। कॉपियंग एन एग्जाम्पल, ये कॉपियंग की एक एग्जाम्पल है। चिल्ड्रन आर टोटली इंस्टेंटिव टू देयर पेरेंट्स शाइन्स, बच्चे मुकम्मल तौर पर इंस्टेंट इनसेंसिटिव होते हैं, वो वैसा ही करते हैं जैसे कि उनके पेरेंट्स करते हैं। इट इज़ द रेयर चाइल्ड हु लेबल आर पेरेंट्स शाय, दिस इज अंडरस्टैंडेबल सेंस पेरेंट्स आर इन पोजिशन ऑफ कंट्रोल एंड अथॉरिटी इन देयर होम्स एंड मे नॉट रिवेल देयर शाय साइड टू देयर चिल्ड्रन। ऑल्सो सेंस शाइन्स इज व्यूड एज अनडिजायरेबल बाई मैनी चिल्ड्रन। इट मे बी थ्रेटनिंग टू थिंक अ पेरेंट इन दिस टर्म्स। एट दिस यंग एज द पेरेंट इज स्टिल आइडियलाइज्ड एज ऑल नोइंग एंड ऑल पावरफुल, नॉट डम अगली और वीक। तो ये किसी किताब से लिया गया, जिम्बार्गो फिलिप जी, 1977 शायद। वॉट टू डू अबाउट इट, कैम्ब्रिज मास प्रेस यूज बुक्स। कॉपियंग एन एग्जाम्पल, तो ये उसकी एग्जाम्पल है। दिस वन इज प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। इफ अ राइटर कॉपीज वर्ड फॉर वर्ड द टेक्स्ट फ्रॉम डॉक्टर जिम्बार्गो बुक एंड डज नॉट एक्नॉलेजमेंट इन एनी वे दैट इट वॉज डॉक्टर जिम्बार्गो वर्क, द राइटर हैज़ कमिटेड प्लेजराइज। इसमें यह है कि अगर आप कॉपी राइट करते हैं तो उसमें ऑथर भी प्लेजराइज हो सकता है। टाइप्स, पैच वर्क, प्लेजराइज, ये बता रहा है कि ऊपर दिए गए पैराग्राफ में डॉक्टर जिम्बाब्वे प्लेजराइज है। टाइप्स, पिच वर्क, प्लेजराइज, प्लेजरिज्म, प्लेजरिज्म की दूसरी टाइप्स है पिच वर्क प्लेजराइज। द सेकेंड काइंड ऑफ प्लेजराइज प्लेजरिज्म इज सिमिलर टू कॉपियंग एंड इज परहैप्स द सेकेंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्लेजरिज्म, पिच वर्क प्लेजरिज्म। ये प्लेजरिज्म की सेकेंड मोस्ट कॉमन टाइप है प्लेजरिज्म की। दिस अकर्स व्हेन द प्लेजराइज्ड बारोज द पेरिफ्रेज एंड क्लॉज फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स एंड वेव्स देम इनटू हिज ओन राइटिंग। इसमें यह होता है कि किसी दूसरे ऑथर के सेंटेंस में से पैराफ्रेज ले लिया, क्लॉज ले लिया और उसको उठाकर अपने वर्क में लिख दिया, तो ये पिच वर्क प्लेजरिज्म हो गया। विदाउट पुटिंग द पैराफ फ्रेजेज इन कोटेशन मार्क्स और साइटिंग द ऑथर, और उसको कोटेशन मार्क में भी ना लिखना और उसको ऑथर का क्रेडिट भी ना देना, तो अपने वर्क में लिख देना, तो ये पिच वर्क प्लेजरिज्म है। पिच वर्क प्लेजरिज्म की एक एग्जाम्पल है। विद रिगार्ड टू चिल्ड्रन दे आर टोटली इंस्टेंटिव टू दे आर पेरेंट्स शाइंस, रेयर इज द चिल्ड्रन हु लेबल्स आ पेरेंट्स शाय, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड दिस सिंस द पेरेंट्स आर इन पोजिशन ऑफ कंट्रोल एंड अथॉरिटी इन देयर ऑन होम्स एंड मे नॉट नेसेसरली शो देयर शाय साइड टू देयर चिल्ड्रन। मोर ओवर सिंस शाइंस इज व्यूड एज अनफेवरेबल बाई मोस्ट चिल्ड्रन, इट मे बी थ्रेटनिंग फॉर देम टू थिंक ऑफ देयर पेरेंट्स इन दैट लाइट। ड्यूरिंग द फॉर्मेटिव ईयर्स द पेरेंट इज आइडियलाइज्ड एज ऑल नोइंग एंड ऑल पावरफुल, नॉट एम अगली अरविक। तो ये जो शो किया हुआ है दे आर टोटली इंस्टेंटिव टू देयर पेरेंट्स शाइन्स, तो जो इस फॉर्म में लिया गया है तो ये पिच वर्क प्लेजरिज्म है, कॉपी कॉपी करके लिखा गया है। पिच वर्क प्लेजरिज्म की एग्जाम्पल, तो ये उसी को डिस्कस किया गया है। नाउ हैड द ऑथर ऑफ दिस पैसेज पुट द कलर्ड, वो जो कलर फॉर्म में है तो वो प्लेजरिज्म है। पैराफ्रेज इन कोटेशन मार्क्स एंड एडेड अ साइटेशन, साइटेशन आफ्टर द कोटेशन लाइक जिम्बाब्वे 62, द ऑथर वुड हैव बीन सेफ विदाउट द कोटेशन मार्क्स एंड
द प्रॉपर साइटेशन द ऑथर हैज़ कमिटेड प्लेजरिज्म। तो इसमें बताया गया है कि ये जो कलर फॉर्म में लिखा गया है तो ये प्लेजरिज्म है, पिचवर्क प्लेजरिज्म है, और इसको ऑथर का नेम भी नहीं दिया गया और इसको प्रॉपर कोटेशन मार्क में भी नहीं लिखा गया, इसलिए ये पिचवर्क प्लेजरिज्म की फॉर्म में आ रहा है। टाइप्स पैराफ्रेजिंग प्लेजरिज्म, थर्ड टाइप है पैराफ्रेजिंग प्लेजरिज्म, प्लेजरिज्म की। द थर्ड टाइप ऑफ प्लेजरिज्म इज कॉल्ड पैराफ्रेजिंग प्लेजरिज्म। दिस अकर्स व्हेन द प्लेजराइजर पैराफ्रेजेस और समराइज अनदर वर्क विदाउट साइटिंग द सोर्स। इसमें यह होता है कि किसी दूसरे ऑथर का पैरा लिया जाता है या उसको समराइज करके अपने वर्क में लिख दिया जाता है, तो इसको और उस ऑथर का क्रेडिट भी नहीं दिया जाता, तो ये पैराफ्रेजिंग प्लेजरिज्म में आता है। इवन चेंजिंग द वर्ड्स अ लिटिल और यूजिंग सिनोनिम बट रिटेनिंग द ऑथर एसेंशियल थॉट सेंटेंस स्ट्रक्चर और एंड आर स्टाइल विदाउट साइटिंग द सोर्स इज स्टिल कंसिडर्ड प्लेजरिज्म। इसमें यह होता है कि अगर आप एक एक लफ्ज भी लें या के पैराफ्रेज लें एक पैराग्राफ दूसरे ऑथर का लेकर उसमें थोड़े बहुत वर्ड की चेंजिंग कर दें और वर्ड कुछ वर्ड की जगह उसके सिनोनिम यूज़ करना, लेकिन उसी बंदे का स्टाइल ऑथर का राइटिंग स्टाइल यूज़ करना और उसका थॉट्स उसी की थॉट पे वही थोड़ा बहुत पैरा में थोड़ा बहुत चेंजिंग करके और उसको एज इट इज़ लिख देना, यह होता है पैराफ्रेजिंग प्लेजरिज्म में। पैराफ्रेजिंग एन एग्जांपल, चिल्ड्रन आर कम्प्लीटली इंस्टेंटिव टू देयर पेरेंट्स, शाइंस आर रेयरली लेबल देयर पेरेंट्स एज शाय बिकॉज द पेरेंट्स आर द अथॉरिटी एंड कंट्रोलिंग फिगर्स इन द होम, दे मे नॉट फील शाय एंड देयरफॉर नॉट शो देयर शाय साइड, मोर ओवर ड्यूरिंग द फॉर्मेटिव ईयर्स पेरेंट्स आर सीन एज ओमनीपोटेंट एंड ओमनीशेंट एंड नॉट स्टूपिड अनअट्रैक्टिव और पैथेटिक। इट मे बी फ्राइटिंग फॉर चिल्ड्रन टू व्यू देयर पेरेंट्स इन टर्म्स ऑफ शाइंस। तो ये जो कलर फॉर्म है ये पैराफ्रेजिंग प्लेजरिज्म है, इसमें थोड़ी बहुत ही वर्डिंग की चेंज करके पूरा पैरा ही उठा कर लिख दिया गया है एक ऑथर का, तो ना ही ये कोई कोटेशन मार्क में लिखा गया है और ना ही कुछ इसको क्रेडिट दिया गया है, बल्कि पूरा पैरा किसी और ऑथर का उठा कर लिख दिया गया है एज इट इज़, तो इसको पैराफ्रेजिंग प्लेजरिज्म कहते हैं। पैराफ्रेजिंग प्लेजरिज्म, नाउ हैड द ऑथर ऑफ दिस पैराग्राफ यूज फुटनोट्स आर पैरेंथेटिकल साइटेशन टू एक्नॉलेजमेंट डॉक्टर जिम्बार्डोज वर्क ही आर शी वुड हैव बीन इन द क्लियर, हाउएवर सिंस द ऑथर एक्ट्स लाइक दीज आइडियाज आर हिज आर ऑन एंड डज नॉट एक्नॉलेजमेंट डॉक्टर जिम्बार्डो इट इज़ प्लेजरिज्म। तो ये प्लेजरिज्म है कि किसी दूसरे बंदे का पैरा उठाकर लिख देना और उसको क्रेडिट भी ना देना। फुटनोट्स पार्ट ऑफ द टेक्स्ट अबाउट इट, फॉर एग्जांपल से यू वांट टू डू एन इंटरेस्टिंग कमेंट टू सेंटेंस यू हैव रिटन, पुट द कमेंट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द आर्गुमेंट ऑफ योर पैराग्राफ। टाइप अनइंटेंशनल, फोर्थ टाइप है प्लेजरिज्म की अनइंटेंशनल प्लेजरिज्म। द फोर्थ टाइप ऑफ प्लेजरिज्म इज कॉल्ड अनइंटेंशनल प्लेजरिज्म। इट अकर्स व्हेन द राइटर इनकरेक्टली कोटेड क्वोट्स एंड आर इनकरेक्टली साइट्स अ सोर्स दे आर यूजिंग। इसमें यह होता है कि जो के बंदा प्लेजरिज्म कर रहा हो वो किसी वर्क किसी और ऑथर का ले ले और बताए किसी और ऑथर का या क्रेडिट किसी और ऑथर का दे दे, तो उसको अनइंटेंशनल प्लेजरिज्म कहा जाता है। हाउ इज दिस प्लेजरिज्म इफ द ऑथर डिड नॉट मीन टू डू इट। तो ये ऑथर को तो ये प्लेजराइज्ड को मालूम नहीं होता कि वो किसको क्रेडिट दे रहा है या ये वर्क किसका है, तो उसको अनइंटेंशनल प्लेजरिज्म कहते हैं।
types unintentional plagiarism. If a writer has incorrectly quoted or incorrectly cited a source, it could be misconstrued as dishonesty, and the writing unintentional plagiarism is plagiarism that results from the disregard for proper scholarly procedure. Example of unintentional plagiarism: failure to cite a source that is not common knowledge, failure to put a paraphrase in your own words even if cited. तो यह है कि किसी और बंदे को क्रेडिट दे देना या ना मालूम शख्स को क्रेडिट दे देना जिसका प्लेजराइज्ड को भी पता नहीं है, या पैरा उठाकर उसको अपना क्रेडिट दे देना, तो ये अनइंटेंशनल पैराफ्रेजिंग में आता है. अवॉइडिंग प्लेजरिज्म, हम कैसे प्लेजरिज्म से बच सकते हैं? अवॉइडिंग प्लेजरिज्म इज कॉल्ड सिंपल. द बेस्ट मेथड ऑफ अवॉइडिंग इट इज टू सिंपल बी ऑनेस्ट व्हेन यू हैव यूज्ड अ सोर्स इन योर ओन प्रॉपर गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू एक्नॉलेजमेंट द ऑथर ऑफ द ओरिजिनल वर्क यू हैव यूज्ड. सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपना वर्क करें, किसी का वर्क चोरी ना करें, प्लेजरिज्म से बचें, अपना ऑनेस्टी दिखाएं ना अपनी, आप अपना वर्क करें, या किसी, या अगर आपको कहीं से सोर्स लेना भी पड़ता है तो उसको क्रेडिट दें. अवॉइडिंग प्लेजरिज्म, अनदर वे टू अवॉइडिंग प्लेजरिज्म इज़ टू यूज़ योर ओन वर्क एज ऑफन एज पॉसिबल. अगर ये पॉसिबल है तो आप अपना वर्क करें. Quoting and citing sources is usually required and inevitable when doing research that how you back up your own work, but using someone else's work excessively can be construed plagiarism. Another way to it is to quote and or cite your source properly. सबसे पहले तो आप ये करें कि आप अपना वर्क करें. अगर आपको कहीं से भी रिसर्च करनी पड़ रही है, किसी भी ऑथर को पढ़ना पड़ रहा है, तो अगर आप उसका कुछ ऑथर का आइडिया लेते हैं या उसे कुछ हेल्प लेते हैं तो आप उसको प्रॉपर क्रेडिट दें. तो ये है सही वे, प्रॉपर कोटेशन. इन ऑर्डर टू प्रॉपर कोट योर सोर्स यू शुड कंसल्ट एंड द स्टाइल मैनुअल दैट वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर द research. In most cases your professor will tell you which style manually would be preferred. If your professor does not indicate which manual to use, be sure to ask. सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आपको अगर लिखना नहीं आता तो आप अपने professor से help ले सकते हैं. अगर वो नहीं भी बता रहे तो आप जाकर अपने professor से पूछें, उनसे सवाल करें कि मैं जो लिख रहा हूँ इसको कैसे लिखूँ, कौन से स्टाइल में लिखूँ, तो आप अपने टीचर से हेल्प ले लें. द फॉलोइंग एग्जांपल आर फॉर्मेटेड इन ML. ये प्लेजरिज्म की एक स्टाइल है, राइटिंग स्टाइल है. MLA, APA एंड शिकागो फॉर्मेट्स हैं, ये स्टाइल है फॉर्म है लिखने की. द टेक्स्ट इज टेकन फ्रॉम द पैसेज वी सॉ अर्लियर फ्रॉम जिम्बाब्वे. तो ये पॉपुलर साइटेशन स्टाइल है, और ये MLA इंग्लिश लिटरेचर में यूज़ की जाती है. MLA स्टाइल फॉरेन लैंग्वेज कम्युनिकेशन में यूज़ किया जाता है, रिलीजियस स्टडीज़ में यूज़ किया जाता है. राइटिंग स्टाइल APA साइकोलॉजी में, एजुकेशन, बिजनेस, इकोनॉमिक में, नर्सिंग, लिंग्विस्टिक स्टडीज़ में. शिकागो यूज़ की जाती है हिस्ट्री में, आर्ट में, फाइन आर्ट में, एंथ्रोपोलॉजी में, फिलासफी में. IEEE यूज़ की जाती है इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस में. CSE यूज़ की जाती है स्टाइल बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी में. व्हाट इज साइटेशन, साइटेशन क्या है? साइटेशन यह है कि आप किसी भी बंदे का वर्क उठाकर एज इट इज़ लिखें तो उसको ये प्रॉपर क्रेडिट दें, उसका हवाला दें कि आपने ये कहाँ से रिसर्च किया, आप उसका रेफरेंस दें. अ साइटेशन इज़ अ कोटेशन और एन एक्सप्लिसिट रेफरेंस टू अ सोर्स ऑफ
इन्फॉर्मेशन, आपने कहाँ से इन्फॉर्मेशन ली है तो आप उसका रेफरेंस दें, उसका हवाला दें। व्हेन राइटिंग अ पेपर ऑफ एनी काइंड इट इज़ वाइटल दैट यू साइट योर सोर्स एक्यूरेटली, यू साइट योर सोर्स एक्यूरेटली। आप उसका मुकम्मल तौर पर हवाला दें। आप जहाँ से भी कुछ भी आप अगर रिसर्च कर रहे हैं या लिख रहे हैं। MLA कोटेशंस, MLA राइटिंग स्टाइल ये है कि इनडायरेक्ट अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप ऐसे लिखेंगे, सम रिसर्चर्स नोट दैट चिल्ड्रन आर टोटली इंसेंसिटिव टू देयर पेरेंट्स शाइंस, और ऑथर के नेम आखिर में लिखेंगे, उसकी एज लिख देंगे। अगर आप डायरेक्ट लिखेंगे तो उसका स्टाइल ऐसे यूज़ करेंगे, जिम्बार्डो नोट्स दैट, कि जिम्बार्डो ने लिखा है चिल्ड्रन आर टोटली इंसेंसिटिव टू देयर पेरेंट्स शाइंस। अगर आप पैरा उठा कर लिख रहे हैं तो आप पैरा में इस तरह लिखेंगे, सम रिसर्चर्स हैव ऑब्जर्व दैट चिल्ड्रन सीम अनअवेयर दैट देयर पेरेंट्स एंड कंसिडर बैशफुल जिम्बार्डो 62। APA शिकागो कोटेशन स्टाइल ये है कि APA इज़ द अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ओवर टाइम दे हैव डिवेलप अ जनरली एक्सेप्टेबल स्टाइल ऑफ राइटिंग पेपर्स एंड साइटिंग सोर्स यूज्ड थ्रू आउट द साइंटिफिक एंड सोशल साइंटिफिक वर्ड्स। इनडायरेक्ट अगर आप यूज़ करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, सम रिसर्चर्स नॉट दैट चिल्ड्रन आर टोटली इंसेंटिव नोट दैट, के सम रिसर्चर ने नोट किया है कि चिल्ड्रन आर टोटली इंसेंटिव टू देयर पेरेंट्स शाइंस। तो आप जिम्बाब्वे ऑथर का नेम लिखेंगे, पब्लिश डेट लिखेंगे 1977, पेज नंबर लिखेंगे 62। अगर आप डायरेक्ट लिख रहे हैं तो आप ऐसे लिखेंगे, जिम्बार्डो 1977 नोट दैट जिम्बार्डो ने 1977 में नोट किया कि चिल्ड्रन आर टोटली इंसेंटिव टू देयर पेरेंट्स शाइंस, पेज नंबर 62। तो अगर आप पैराफ्रेजिंग में यूज़ कर रहे हैं तो सम रिसर्चर्स हैव ऑब्जर्व दैट चिल्ड्रन सीम ऑब्लिवियस टू देयर पेरेंट्स बैशफुलनेस जिम्बार्डो 1977। प्रॉपर साइटेशन, इन ऑर्डर टू प्रॉपर साइट योर सोर्स यू शुड ऑल्सो कंसल्ट द स्टाइल मैनुअल दैट वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर द रिसर्च। अगर आप कुछ भी रिसर्च करें तो उसको प्रॉपर कोटेशन मार्क में लिखें और एक मैनुअल स्टाइल यूज़ करें, सिंपल स्टाइल यूज़ करें, और उनका कहीं से भी अगर आप रिसर्च करके लिख रहे हैं तो उनका हवाला दें। दिस द फॉलोइंग एग्जांपल आर फॉर्मेटेड इन, ये एग्जांपल है वो जो ऊपर दी गई हैं, MLA APA एंड शिकागो फॉर्मेट। द साइटेशन इज रिलेटेड टू द पैसेज वी सा अर्लियर फ्रॉम जिम्बार्डो। MLA साइटेशन, MLA मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन स्टाइल इज मोस्ट कॉमनली यूज टू राइट पेपर्स एंड साइट सोर्स विद इन द लिबरल आर्ट्स एंड कम्युनिटीज। MLA एक मोस्ट कॉमन टाइप है राइटिंग की, तो ये लिबरल और कम्युनिटीज में ज़्यादातर यूज़ की जाती है। बुक, जिम्बार्डो फ्लिप जी शाइंस व्हाट इट इज़ व्हाट टू डू अबाउट इट, कैम्ब्रिज मास पर्स्यूज बुक 1977 प्रिंट, एस ए चैप्टर इन अ बुक सनसन जिनर, ग्राफिक डिज़ाइन एजुकेशन एज अ लिबरल आर्ट डिज़ाइन एंड नॉलेज इन द यूनिवर्सिटी एंड द रियल वर्ल्ड द एजुकेशन ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन इज स्टीवन हेलर न्यूयॉर्क अलवर्थ प्रेस 1998 13-24 प्रिंट। MLA साइटेशन, तो MLA आर्टिकल में यूज़ की जाती है राइटिंग। बैक्शी अलकांडा, कॉन्फ्लिक्टिंग नेशनलिज्म द वॉइस ऑफ द सबल्टर्न इन मासुइता देवी भाषाई टूडू।
तुलसा स्टडीज इन वुमन लिटरेचर 1996। आर्टिकल फ्रॉम अ डेटाबेस लैंगमर क्लेयर लव एंड कॉर्टशिप इन मिड 20th सेंचुरी इंग्लैंड हिस्ट्री हिस्टोरिकल जनरल 2007 में लिखा गया और फलां फलां डेट को और फलां फलां वेबसाइट पर लिखा गया। एमएलए साइटेशन इंटरव्यू वेबसाइट के एमएलए जो के राइटिंग स्टाइल है उसमें साइटेशन कैसे की जाती है, उसमें हवाला कैसे दिया जाता है, तो ये उसकी फॉर्म दी गई है। द पर्डो ऑल फैमिली ऑफ साइट्स द राइटिंग लैब एंड ऑल एट पर्डो एंड पर्डो 2008 वेबसाइट पर लिखा गया 6 सितंबर 2012। पेज ऑन वेबसाइट अगर आप पेज का हवाला दें तो ऐसे देंगे हाउ टू मेक वेजिटेरियन चिली स्पेशल कोटेशन मार्क में उसको लिखेंगे और आगे वेबसाइट ehow.com ehow.nd वेबसाइट 24 फरवरी 2012। APA साइटेशन ज़िम्बार्डो।